एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज आपके साथ में शेयर करूंगी कलकत्ता की बिरयानी रेसिपी। कलकत्ता की बिरयानी की रेसिपी की खासियत यही है क्योंकि इसमें आलू डाला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने चिकन का 4 लेग पीस लिया है और लिया है जीरा, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, नमक और दही। पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। अब चिकन के पीसेस को थोड़ा सा काट लेंगे क्योंकि इसमें मैरिनेशन अंदर तक जाएगी। आप एक बोल में चिकन के पीसेस को ले लेंगे, उसमें एक एक करके टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा, नमक और दही डाल के सब कुछ अच्छे से मिला के 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहे तो इसे 1 दिन भी रख सकते हैं। आप मेरे बिरयानी की हंडी चढ़ा दिए, उसमें सरसों का तेल और 2 चम्मच घी ऐड कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। उसमें एक एक करके अंडा और आलू को भून लेंगे। अंडा को मैंने पहले से ही उबाल के रखा था और आलू को 30% पकाना, पूरा मत पकाना। प्याज को तेल में अच्छे से मिला के बेरिस्ता को बना लेते हैं। आप चाहे तो बेरिस्ता को दुकान से भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने घर पे ही बना लिया। आप तेल में कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भूनने के बाद उसमें लहसुन ऐड कर देंगे। अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। कुछ अच्छे से मिला लेंगे। तो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था, उसको फ्रिज से आधा घंटा पहले निकल के रखना, नहीं तो चिकन से ना पानी निकल जाते हैं। पीसेस को डाल देंगे और उसको भी अच्छे से भून लेंगे। इसमें बचा हुआ ग्रेवी ऐड कर देना। आप एक बर्तन में पानी को अच्छे से उबाल लेना, उसमें एक एक करके तेज पत्ता, कार्डेमन, लौंग, इलायची और स्टार एनिस ऐड कर देना। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देना। चावल को आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था, आप उसको पानी में डाल देंगे। चावल को पूरा मत पकाना, चावल को 70% तक ही पकाना, पूरा पकने से ना चावल गल सकते हैं। अब चिकन में 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड कर देना। ये बिरयानी मसाला आपको कोई भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगी। थोड़ा पानी ऐड कर देना। अब चिकन में एक एक करके अंडे और आलू को अच्छे से सजा लेंगे।
उसके ऊपर थोड़ा चावल डाल देंगे। ऊपर से बेरेस्ता डाल देंगे, बिरयानी मसाला डाल देंगे, यहाँ पे मैंने केसर लिया है, केसर को मैंने 2 घंटा दूध में भिगो के रख दिया था। आप दोबारा चावल को अच्छे से सजा देंगे। ऊपर से बेरेस्ता को और बिरयानी मसाला को डाल देंगे। आप केसर को ऐड कर देते हैं। थोड़ा रोज वाटर डाल देंगे, केवड़ा वाटर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा रेड फूड कलर ऐड किया है क्योंकि मेरे को कलर थोड़ा पसंद है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ऊपर से धनिया का पत्ता को अच्छे से सजा के ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। में थोड़ा सा नमक भी डाल देना। ढक्कन बंद करने के बाद इसको 15 मिनट तक पकाना। ये हमारा कलकत्ता की चिकन बिरयानी एकदम रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और नीचे बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।